हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एजुकेशन धाम। एज यू ऑल नो दैट वी वर स्टडिंग विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडी मैकबेथ, एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड एक्ट सेकेंड सीन वन एंड टू, एंड टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस सीन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हमने जो पिछला सीन था, सीन सेकंड, उसमें देखा कि जो मैकबेथ है वो जो राजा डंकन होता है उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और मर्डर करने के बाद वो वापस अपने रूम में आता है और तभी उनको एक खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। और लेडी मैकबेथ है वो अपने हस्बैंड को गाइड करती है कि वो तुरंत जाके अपने जो ये हाथ खून से सने हुए हैं इनको धो ले और जो नाइट ड्रेस है वो पहन ले, ताकि सब लोग यही समझें कि मैकबेथ है वो सो रहा था और उन पे कोई शक ना करें। अब देखिए सीन थर्ड में क्या होता है, नॉकिंग एट द डोर। द पॉटर हियर्स नॉकिंग एट द गेट। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द डोर इमीडिएटली ही इमेजिन्स हिमसेल्फ एज द पॉटर एट द डोर टू हेल्प। अब जो पॉटर होता है चौकीदार, उसे खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है दरवाजे पे। अब वो दरवाज़ा खोलने के बजाय, तुरंत दरवाज़ा खोलने के बजाय वो कल्पना करने लगता है। ही इमेजिन्स, वो अपने आप को क्या इमेजिन करता है कि वो पॉटर, वो चौकीदार है कहाँ का, डोर एट द डोर टू हेल, नरक के दरवाजे तक क्या है वो चौकीदार है। और इसके अलावा वो और भी कई बातें सोचने लगता है। वो तुरंत जाके दरवाज़ा नहीं खोलता और वो इमेजिन करने लगता है बहुत सारी बातें। द पॉटर ओपन्स द गेट, मैकडफ एंड लेनॉक्स एंटर। अब जो पॉटर है वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर कौन आता है, मैकडफ एंड लेनॉक्स, वो दोनों अंदर आते हैं। दिस होल्ड हिम फॉर टेकिंग टाइम टू ओपन द गेट एंड आस्क हिम अबाउट हिज मास्टर गेटिंग अप। अब वो दोनों उसको डांटते हैं कि जो पॉटर है उसने इतना टाइम क्यों लिया, और उससे क्या पूछते हैं कि जो मास्टर है यानी राजा डंकन है वो अब तक उठे या नहीं उठे। तो ये सब उनमें बातचीत होती है। उसके बाद तभी क्या होता है, मैकबेथ एंटर्स। अब मैकबेथ आता है। मैकडफ टोल्ड मैकबेथ दैट द किंग डंकन कमांड हिम टू कॉल हिम अर्ली। अब जो मैकडफ है वो मैकबेथ को क्या बोलता है कि राजा डंकन ने उसको आदेश दिया था कि वो उसको सुबह जल्दी जगा दे। मैकडफ गोज टू द किंग्स चैम्बर। अब जो मैकडफ है वो क्या करता है, जो राजा डंकन होता है उसके रूम में जाता है। मैकडफ रशेस इन विद द न्यूज़ दैट द किंग हैज़ बीन मर्डर। अब जो मैकडफ होता है वो तुरंत वापस आ जाता है और एक खबर लेके आता है। क्या खबर लेके आता है, कि जो राजा डंकन था उसका क्या हो गया है, मर्डर, किसी ने हत्या कर दी है राजा डंकन की। मैकबेथ एंड लेनॉक रशेस इनटू द चैम्बर। ये खबर सुन के जो मैकबेथ और लेनॉक्स होते हैं वो तुरंत अंदर भाग के जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। मैकडफ कॉल्स टू सर्वेंट टू रिंग द अलार्म बेल। अब जो मैकडफ होता है वो अपने सर्वेंट्स को बुलाता है, क्या कहता है कि जो अलार्म बेल है सबको क्या कर दे, जगा दे कि कोई घटना हुई है महल में। अब देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग से दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है और जो पॉटर है वो जाके दरवाज़ा खोलता है और अंदर कौन आते हैं, मैकडफ एंड लेनॉक्स। वो दोनों जब एंटर करते हैं तो उसी टाइम पे मैकबेथ भी आ जाता है वहाँ पे, और मैकडफ मैकबेथ को बताता है कि राजा ने रात को सोने से पहले उसको आदेश दिया था कि वो उसको सुबह जल्दी आके जगा दे ताकि वो महल के लिए निकल सके। तो ये सब बात करने के बाद मैकडफ है वो राजा के चैम्बर में चला जाता है जगाने के लिए,
और वहाँ जाके देखता है कि राजा की क्या हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। और इसी खबर के साथ वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल के आता है और सबको ये खबर देता है कि जो किंग डंकन है उसका क्या हो चुका है, मर्डर हो चुका है, किसी ने हत्या कर दी है। और ये खबर सुन के मैकबेथ और जो लेनॉक्स होता है वो अंदर जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो हुआ है। अब ये सब देखने के बाद कि राजा की डेथ हो गई, अब मैकडफ है वो सबको बुलाता है कि वो सर्वेंट को कहता है कि बेल बजा दो ताकि क्या है सभी वहाँ पे क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। अब बेल रिंग्स, लेडी मैकबेथ एंटर्स। अब जब वो बेल बजती है तो ये सुन के लेडी मैकबेथ है वो अंदर आती है। शी एक्सप्रेसेस हर हॉरर ऑन डंकन्स डेथ। अब वो एक्सप्रेस करती है, क्या व्यक्त करती है, अपना डर व्यक्त करती है। राजा डंकन की डेथ देखती है तो वो क्या हो जाती है, शॉक हो जाती है और ऐसे बिहेव करती है कि वो बहुत ही डर गई है। बल्कि जो किया धरा था वो तो किसका था, लेडी मैकबेथ का ही, लेडी मैकबेथ का ही प्लान था, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, नाटक करती है, सब क्या है ये उसके बहाने। मालकॉम एंड डोनाल्बेन अराइव ऑन द सीन। अब वो मालकॉम और डोनाल्बेन राजा डंकन के बेटे हैं। ये कौन है, ये दोनों राजा डंकन के बेटे, दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। लेनॉक्स ब्लेम्स द गार्ड हु वर फाउंड विद ब्लडी डैगर। अब जो लेनॉक्स होता है वो आरोप लगाता है किसके ऊपर, गार्ड्स के ऊपर, क्योंकि उनके पास से क्या मिला है, वो खून से सना हुआ छुरा। और बल्कि ये छुरा तो जो लेडी मैकबेथ होती है वो रख के चली जाती है वहाँ पे। मर्डर कौन करता है, मैकबेथ, और मर्डर करने के बाद वो छुरा अपने साथ ले जाता है, लेकिन लेडी मैकबेथ वापस आती है और ये जो छुरा होता है इसको जो गार्ड्स होते हैं उनके पास रख के वापस चली जाती है। अब वो छुरा है लेनॉक्स को मिलता है तो वो आरोप लगाता है गार्ड्स के ऊपर कि राजा डंकन की क्या है, हत्या कर दी उन्होंने, वो सस्पेक्ट होते हैं। मैकबेथ हैज किल्ड द गार्ड्स, लेडी मैकबेथ फेंट सेइंग दिस। अब जो मैकबेथ होता है वो क्या करता है, वो इस तरह से रिएक्ट करता है जब जो लेनॉक्स होता है वो गार्ड्स पे ब्लेम लगाता है कि उन्होंने क्या किया, राजा की हत्या। तो मैकबेथ है वो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि उसे बहुत गुस्सा आया ये देख के कि किसी ने हत्या कर दी। राजा डंकन है, मैकबेथ के महल में रुका था, वो उसका क्या था, राजा था और अतिथि भी, और ये सब देख के मैकबेथ को जैसे बहुत गुस्सा आया हो और आवेश में आके उसने क्या किया हो, जैसे उनको गार्ड्स को मार देता है, वो एकदम क्रोध दिखाता है और वो गार्ड्स को तुरंत ही वहाँ पे मार देता है। लेडी मैकबेथ फेंट सेइंग दिस। अब जो लेडी मैकबेथ है वो भी क्या करती है, नाटक करती है, वो भी बेहोश होने का क्या कर रही है, नाटक करती है। बैंको एंड द रेस्ट डिसाइड टू मीट इन द हॉल। अब उसके बाद क्या होता है, जो बैंको और जो बाकी के लोग थे वो डिसाइड करते हैं कहाँ मिलने का, हॉल में मिलने का, कि वो हॉल में मिलते हैं और वहाँ पे चर्चा करेंगे कि अब आगे क्या करना है। राजा की तो डेथ हो चुकी है, अब आगे क्या करना है क्या नहीं, तो वो वहाँ इकट्ठा होते हैं और बातचीत करते हैं सभी। मालकॉम एंड डोनाल्बेन डिसाइड टू लीव फॉर इंग्लैंड एंड आयरलैंड। अब जो मालकॉम और डोनाल्बेन, ये जो राजा डंकन के बेटे हैं दोनों, ये क्या सोचते हैं कि इनके जो फादर हैं उनकी क्या हो गई, किसी ने मर्डर करवा दिया, अब इनकी जान को भी क्या है, खतरा है, तो ये डिसाइड करते हैं कि ये भी वो जगह छोड़ के चले जाएंगे। और जो मालकॉम है वो कहाँ चले जाता है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में जाता है मालकॉम, और आयरलैंड में डोनाल्बेन, दोनों कहाँ चले जाते हैं, वो जगह छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, मालकॉम जाता है इंग्लैंड और डोनाल्बेन आयरलैंड, तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तुरंत ही चले जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सीन, सीन फोर्थ, रॉस एंड ओल्ड मैन एंटर। अब कौन आते हैं, रॉस और एक बूढ़ा आदमी। दे बोथ डिस्कस द अननेचुरल इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस
प्लेस इन द पास्ट फ्यू डेज. अब वो दोनों रॉस और वो ओल्ड मैन है, दोनों ही डिस्कस कर रहे होते हैं किसके बारे में, अननेचुरल इवेंट्स, जो भी अप्राकृतिक चीज़ें पिछले कुछ दिनों में हुई हैं उनको लेके वो चर्चा कर रहे होते हैं, जैसे उल्लू का बोलना, तूफान आना, इस तरह के कुछ बुरे बुरे संकेत हो रहे होते हैं, उन सब को लेके वो क्या कर रहे होते हैं, दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं. अब देखिए मैकडफ एंटर्स. अब मैकडफ आता है वहाँ पे, कौन आता है, मैकडफ. रॉस आस्क वेदर द कल्प्रिट हैज़ बीन डिस्कवर्ड. अब जो रॉस होता है वो क्या पूछता है कि जो कल्प्रिट, जो दोषी है, उसका पता चला क्या कुछ, कि दोषी के बारे में कुछ पता चला. तो मैकडफ टेल्स दैट मैकबेथ हैज़ बीन मेड किंग. तो उसके बारे में वो कहता है कि अभी तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन वो एक खबर देता है कि जो मैकबेथ है उसको राजा बनाने का क्या किया गया है, विचार रखा गया है कि मैकबेथ को क्या बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए. क्योंकि राजा डंकन के बाद अगर कोई काबिल था राजा बनने के तो कौन था, वो मैकबेथ. तो ये सब सोच विचार के सभी क्या डिसाइड करते हैं कि जो नेक्स्ट राजा होगा वो किसको बनाया जाए, मैकबेथ को. दे सस्पेक्ट बोथ मालकोम एंड डोनाल्बेन टू फार लिविंग द सीन. अब जो सस्पेक्ट, ये जो राजा डंकन की डेथ हो जाती है, उसका जो आरोपी किसको माना जाता है, दोषी कौन होता है, कि वो मानते हैं कि जो मालकोम और डोनाल्बेन है, शक उन पे भी है कि उन्होंने शायद क्या की, वो राजा की हत्या की हो. क्योंकि वो दोनों भी तुरंत वहाँ से, जब राजा की मर्डर, राजा का मर्डर हो जाता है, तो वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं. फॉर लिविंग द सीन, वो वहीं से तुरंत चले जाते हैं. मालकोम इंग्लैंड चले जाता है और डोनाल्बेन आयरलैंड. तो इस वजह से जो शक के सुई थी वो किस पे आ जाती है, मालकोम और डोनाल्बेन पे. मैकडफ लीव्स फॉर फाइव. अब ये सब खबर होती है बातचीत होने के बाद, अब सब वहाँ से चले जाते हैं. मैकडफ है वो अपने फाइव अपने महल में चला जाता है, महल के लिए रवाना हो जाता है. रॉस लीव्स फॉर स्कॉन टू सी द कोरोनेशन. और जो रॉस होता है वो कहाँ के लिए निकल जाता है, रवाना हो जाता है स्कॉन, वो स्कॉटलैंड के लिए चला जाता है. क्या देखने के लिए, जो मैकबेथ की अब ताजपोशी होगी उसके लिए वो वहाँ चले जाता है. तो ये था एक्ट सेकंड. यहाँ पे हम देखते हैं राजा डंकन की डेथ हो जाती है, मैकबेथ है वो राजा को मार देता है, और सबको ये चीज़ पता चली जाती है कि राजा की क्या हो गई है, राजा का मर्डर हो गया है. और जो राजा के बेटे होते हैं मालकोम और डोनाल्बेन, एक इंग्लैंड चले जाते हैं और दूसरा आयरलैंड. और सभी मिलके डिसाइड करते हैं कि राजा किसको बना दिया जाए, मैकबेथ को. तो यहाँ तक सब घटित हो जाता है. लास्ट अब देखते हैं क्या आगे के थर्ड सीन में क्या होगा. आज की क्लास में बस इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए गुड डे.